तो गाइस आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें एक अच्छे ट्राइपॉड की तलाश होगी कि भाई हमें एक अच्छा सा सस्ता सुंदर टिकाऊ ट्राइपॉड मिल जाए ताकि हम अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को, अपने यूट्यूब स्किल्स को, और अगर आप लोग एक यूट्यूबर है तो भाई आप लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो आज हम करने वाले एक ऐसे ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग जिसमें आपको सारी चीजें आपके लिए बेस्ट नसीब हो जाएंगी एक अच्छे प्राइस में। तो चलिए पहले अपने ट्राइपॉड को बुला लेते हैं। तो गाइस ये है हमारा डिजिटेक का ट्राइपॉड और आज इस ट्राइपॉड की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होगा आपको यहाँ वीडियो में और मेरे सामने भी पड़ा है तो मेरे को तो और भी ज्यादा बड़ा लग रहा है। और ये ट्राइपॉड मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड अवेलेबल है मार्केट में यूट्यूबर्स के लिए और काफी ज्यादा अच्छा ट्राइपॉड है, ट्रस्ट मी। तो इसलिए मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस को शूट करने के लिए भी इसको खरीदा है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा ताकि अगर आप भी एक ट्राइपॉड लेने का सोच रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। मैं हूं आपका दोस्त आयुष, आप देख रहे हैं अनबॉक्स इट। चलिए गाइस तो गाइस कुछ इस तरह से हमारे ट्राइपॉड का बॉक्स आ जाता है और यहाँ पर हमें हमारा ट्राइपॉड दिखाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके कुछ डिटेल फीचर्स बताए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 5 किलो तक के वेट को उठा सकता है और 5.5 फीट की इसकी हाइट है यानी कि 50 इंच के आसपास आप मान लो और फोल्ड करके ये 615 mm का बन जाता है। और यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ये सारी विड्थ वगैरह दे रखी है और वेट इसका खुद का जो है वो है 1.2 kg का और ये सारे फीचर्स इसके साथ आ जाते हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू कर लेते हैं फटाफट से। तो जब तक हम ये काम कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं इस चैनल पे। तो गाइस इसके अंदर आपको ये एक चैन मिलती है और सबसे बड़ी बात कि आपको एक कैरी बैग मिलता है कि आप इसको कैसे भी लेके घूम सकते हो और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि आपको किस तरह से आपका बैग चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी इस ट्राइपॉड की मेरे को। और यहाँ पर ये बिल्कुल पन्नी के अंदर पैक होकर आता है तो फटाफट से इसको बाहर निकाल लेते हैं। और ये एक बैग और इस बैग के अंदर हमें एक इसका हुक मिलता है जो माउंट होगा इस ट्राइपॉड के यहाँ पे सबसे ऊपर पे और यहाँ से आपका फोन और DSLR दोनों अटैच हो जाएंगे। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे और फिलहाल हम अपने ट्राइपॉड को बाहर निकाल लेते हैं और फटाफट से देखते हैं कि यार एक्चुअल में है कैसा। तो गाइस फाइनली हमारा ट्राइपॉड हमारे सामने और कुछ इस तरह से ये ट्राइपॉड है और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक लेवलर दिया हुआ है, ये बताता है कि यार आपका जो सरफेस है वो सीधा है या नहीं, इस डॉट से आपको पता चल जाएगा। तो ये इसलिए होता है। और यहाँ पर हमें एडजस्टेबल ये एक चीज मिलती है जिससे हम अपने कैमरे को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें एडजस्ट करने की। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये खोलते कैसे हम। तो ये एक्चुअल में ऐसे आता है हमारे पास ट्राइपॉड, तो इसे खोलने के लिए हमें यहाँ से इसको खोलना पड़ता है और इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर देना पड़ता है और यहाँ पर ये जो घूमने वाला है इस घुमा के इसे लॉक कर सकते हो इसी पोजिशन के अंदर। और अगर आपको किसी और पोजिशन पे भी लॉक करना है जैसे कि यहाँ पे, तो आप इसे यहाँ पर भी लॉक कर सकते हो, ये बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा। ये खास बात है जो नॉर्मल ट्राइपॉड में हमें नहीं मिलती, इसके अंदर मिलती है। और एक सबसे बढ़िया खास बात ये कि इसके अंदर हमें एक हैंडल मिल जाता है ताकि हम इस हैंडल से इसको उठा के कहीं भी कैरी कर सके आराम से, क्योंकि जब ये पूरा खुल जाता है उस वक्त पे इसको उठा करके कहीं भी लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक हैंडल मिलता है ताकि हम इस हैंडल से इसको कहीं पर भी कैरी करके ले जाएं। और ट्राइपॉड के सबसे नीचे यहाँ पर हमें एक हुक मिलता है जिस हुक से आप कुछ भी टांग सकते हो, मतलब जब ये पूरी लेंथ में होता है तो ये इतनी हाइट पे पहुंच जाता है कि यहाँ पर आप कुछ भी हैंग कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको एक व्हील दिख रहा होगा, ये एक स्क्रू जैसा है, जैसे ही आप इस स्क्रू को खोलोगे तो ये चीज लूज हो जाएगी। लूज करने के बाद आप इसको यहाँ से आप इसको ऐसे पकड़ के घुमा सकते हो और घुमाने से ये और ऊंचा होता चला जाएगा। और जब हम इसको और इसको पूरा खोल देंगे तो ये इसकी पूरी लेंथ बन जाएगी। तो चलिए इसकी पूरी लेंथ खोल के दिखा देते हैं। पहले आपको इसे खोलने के लिए हमें यहाँ से ऐसे खोलना पड़ता है इसे, और अगर इसकी फुल लेंथ को मैं निकालूंगा तो मुझे टेबल हटानी पड़ेगी क्योंकि यार बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ट्राइपॉड की जो हाइट है वो कितनी ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 50 इंच के आसपास का है ये ट्राइपॉड। तो मेरे को इतनी दूर से शूट करना पड़ रहा है ताकि मैं इसको पूरा शूट कर सकूं। तो गाइस मेरे साथ आप इसका हाइट कंपैरिजन देख सकते हो, मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है और ये 5.57 फीट का है, तो 5'9" के आसपास इसकी हाइट हो गई और 6 फुट का मैं हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी हाइट का डिफरेंस मिल जाता है। और यहाँ पर अभी हमने इसके माउंट को लगा रखा है तो ये मतलब ऑलमोस्ट मेरी हाइट को मैच कर रहा है, लेकिन अगर इसे हटा दें जो कि इसकी एक्चुअल हाइट है फिर वो यहां तक हो जाएगी। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हो कि ये मेरे यहां तक आता है। तो इतना लंबा ये ट्राइपॉड है और मेरे हिसाब से जैसे भी शॉट्स आप लेना चाहो कितनी भी हाइट के, मेरे हिसाब से इस हाइट से सारे काम हो जाने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा इनफ है ये हाइट, बहुत इनफ है।
तो गाइस ये तो हमारा डिजिटेक का ट्राइपॉड है जिसको मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, और ये हमारे पास अमेजोन बेसिक्स का एक ट्राइपॉड, ये 650 रुपीज़ में अवेलेबल है अमेजोन में। तो अगर आप लोगों को ये वाला खरीदना हो तो ये भी खरीद सकते हो, लेकिन इसकी जो हाइट है वो इससे कम है, क्योंकि मतलब बैठे हुए में भी आप देख ही सकते हो कि कितनी कम है। और वैसे इसकी हाइट अगर फुल लेंथ में देखें तो 30 इंचज़ की है, और हमारे डिजिटेक वाले की 15 इंचज़ की है। तो ये तो हो गए दोनों ट्राइपॉड, और हाइट का डिफरेंस आप यहाँ पर अभी देख सकते हो। अभी मैं इसको पूरा खोल के भी आपको इसकी हाइट का डिफरेंस दिखाऊंगा, उससे पहले आप ये देख लो कि यूट्यूब वीडियोज़ को शूट करने के लिए तो तुम लोगों को ये जो है ये ट्राइपॉड के साथ बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तुम्हें अलग से खरीदना पड़ेगा। लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद सकते हो जैसा आपका मन करे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला खरीद लो, क्योंकि इसके अंदर आप यहां पे और यहां पे दो जगह आपको स्क्रू मिलता है, आप जैसे चाहें अपने स्मार्टफोन को माउंट कर सकते हैं। ये मेरे को बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें खतरा रहता है कि आपका स्मार्टफोन गिर सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अच्छे से होल्ड करके रखता है, तो मैंने खुद भी यही खरीदा था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन सबके लिंक्स दे रहा हूं, दोनों ट्राइपॉड के भी और इसके भी, तो जैसा आपको मन करे वैसा आप खरीद सकते हो। और अगर हमारे लिंक से खरीद तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। ट्राइपॉड को उनकी पूरी लेंथ में खोल दिया, और यहाँ पे साइज कंपैरिजन देख सकते हो कि जो 15 इंचेस वाला हमारा डिजिटेक का ट्राइपॉड है और वो है अमेज़न बेसिक्स का, तो कितना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है हाइट के अंदर। तो ये वाला काफी ज्यादा लंबा है और ये इससे बहुत ज्यादा छोटा लगता है जब हम इसे पूरी लेंथ में खोलते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमें इसको यहां से ऐसे स्लाइड करके एडजस्ट करना होगा, फिर उसके बाद इसको वापस से अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा, और ये चीज लॉक करने के बाद बिल्कुल आप सेट कर लिया। और अगर आपको इसे घुमाना है तो इस वाले हैंडल को यूज करके आप घुमा सकते हो, यहां से इसे ऐसे खोलोगे तो ये लूज हो जाएगा, लूज होने के बाद इसे ऊपर नीचे आप कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात की है, जो इसका माउंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये थ्री वे एडजस्टेबल माउंट है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे ऐसे भी घुमा सकता हूं और ऐसे भी घुमा सकता हूं। और अगर हमें ऐसे घुमाना है तो हमें ये वाला व्हील यूज करना पड़ता है, जिसको हम टाइट या ढीला करके इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, और ऊपर नीचे करने के लिए हमें ये वाला व्हील यूज करना है। और अगर हमें इसे अपलिफ्ट करना है तो अपलिफ्ट करने के लिए मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला व्हील यूज होता है, और यहां पर हमें एक ये मिलता है घुमाने के लिए, इसको घुमा के हम इसको ऊपर कर सकते हैं। और एक और चीज़ हमें ये मिलती है कि अगर हम इसे टेढ़ा करके शूट करना है, तो कई शॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें कैमरे को टिल्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए आप इसको यहाँ से घुमा सकते हो, इस वाले स्क्रू से यहाँ से इसको घुमा लोगे तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, और आप इसको ऐसे करके भी शूट कर सकते हो। तो जैसे मन चाहे यार वैसे आप काम कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगती है मेरे को इस ट्राइपॉड की, कि ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और ये जो पूरा माउंट है ये एज अ गिम्बल काम करता है जब हम इससे कुछ भी शूट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूदली अपने कैमरे को टर्न करता है। तो मेरे जो ज़्यादातर सिनेमेटिक शॉट्स आप देखते हो वो इसी की बदौलत आते हैं। तो गाइस ये थे दोनों ट्राइपॉड जिनकी मैंने आपको अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू और सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, कि भाई इन सब के बारे में आपको सारी नॉलेज अच्छे से मिल जाए। और ये है 1500 रुपये का, लिंक मैं इन सब के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से अगर जाके आप बाय कर लोगे तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा। और ये है अमेज़न बेसिक्स का 650 का ट्राइपॉड, तो देख लो जैसी भी क्वालिटी थी जो भी था मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। ये मेरे को हल्की क्वालिटी का लगता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता, और इसकी हाइट भी काफी कम है, इसलिए मैं आपको ये वाला रिकमेंड नहीं करूंगा। कि अगर आप एक यूट्यूबर भी बन रहे हो तो भाई शुरुआत के लिए इसको आप प्रेफर कर सकते हो अगर आपका बजट बहुत ही कम है, लेकिन एक टाइम पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मुझे भी पड़ी थी इसलिए मैंने इसे खरीद लिया था। तो बाकी आपकी चॉइस है, मैं दोनों के लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जो आपको अच्छा लगे वो आप बाय कर सकते हो। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है कि अगर तुम वीडियो को लाइक करते हो और तुम्हें पसंद आती है तो। और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल कलर के बटन को दबा के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि सारी वीडियोस के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो ये था पूरा इन ट्राइपॉड्स के बारे में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। ऐसा नहीं केरोसीन है संभाला, बस 5 साल रुक पूरा सीन है संभाला भाई, काली काली और कला है ये।